पर ये है कि पहले मैं स्पेक्स पहनता था, एक साल पहले मैंने अपनी आंख का ऑपरेशन कराया था, लेकिन स्पेक्स पहनने की आदत अभी तक गई नहीं है, इसलिए मैं वो स्पेक्स पहन लेता हूँ। नहीं, ये फिल्म का लुक नहीं है, मेरा ही लुक है। लेकिन हाँ, हवाई ज़्यादा में मैं स्पेक्स पहन रहा हूँ, पर ये वो वाली स्पेक्स नहीं है। आई थिंक इट्स अमेजिंग, मुझे लगता है कि इसका प्रोमो बहुत अलग है, बहुत ही क्लटर ब्रेकिंग फिल्म होने वाली है। एक हम काफ़ी इंग्लिश फिल्में हिंदी में देखते हैं, पहली बार हिंदी में देखेंगे, बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है। एंड प्रोमो अच्छे हैं, गाने काफ़ी यूनिक हैं इसके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक इसका स्पूफ भी बना था, हु द एफ इज फैनी, वो बड़ा कूल है यार, आई रियली लव इट। आई थिंक मुझे वैगाटोर बीच वहाँ का बहुत अच्छा लगता है, बागा में तो सारे दिल्ली वाले पहुँचे होते हैं, बट आई रियली लव वैगाटोर बीच ऑफ गोवा। फैनी मोमेंट, वो कैसा मोमेंट हुआ, मतलब यार मुझे लगता है हर एक एक्टर के अंदर एक फैनी होता है, हर एक एक्टर अपनी हैप्पीनेस ढूंढ रहा होता है, कहीं ना कहीं भाग रहा होता है, कहीं ना कहीं इवेंट्स कर रहा होता है, सो आई थिंक हम एक तरह के फैनी हैं। एक लुक दिखा सकते हैं फैनी का, एक छोटा सा। कौन सा फैनी लुक? कोई भी आपका, जो आप ऐसा समझिए मेरा फैनी लुक है। लुक। I think Goa and prawn curry, I really like it, and I think Goa ki feel hi kuch aur hai. I think it said it's you know, it's where the heaven lies, and I think it's really when you shoot there, I think shooting in the rain is zyada jana hota hai wahan par, so it's really fun. And besides that, I think I'm really looking forward to it for Homi. I love cocktail, I think I love the kind of things he does, so I'm really looking forward. Aapki life ka koi aisa funny moment? नहीं, आई थिंक पहले मैं फिल्म देखती हूँ वो क्या है फिल्म में फाइनिंग मोमेंट, देन आई डिफाइन इन व्हाट इज दैट फाइंडिंग फैनी मोमेंट, एंड वी विल डेफिनेटली टॉक अबाउट इट नेक्स्ट टाइम। एक फैनी लुक देना चाहेंगे अगर आप, व्हाट इज अ फैनी लुक? Any particular like Sabha? See all the different look, you know. So comedy, you are. हर picture में fanny look होता है, हम तो different लेते हैं। आपका कोई look अगर आप mood fanny mood. Hi, I have not seen the film. Should I start the role? Yeah. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, प्रोमोज बहुत ही फैंटास्टिक है, इसके गाने बहुत अच्छे हैं, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी द फिल्म। थैंक यू। अच्छा हो जाओ खामोश। नहीं नहीं अरे ट्रेलर देखा आपने? ट्रेलर ओके भाई, रोल आप लोग का नहीं है क्या? रोल है या रेडी? ट्रेलर देखा मुझे बहुत ही मज़ेदार लगा, एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर टू सी द फिल्म। इसमें पांच कैरेक्टर हैं, अलग अलग चीजें सुन तो लूँ पहले, लाइफ, लव, पैशन, रोमांस, सब अलग अलग चीज़। आप अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा क्या ढूंढ? सब होना चाहिए, अब लाइफ हो तो ऐसी, विथ लव, पैशन, रोमांस एंड एवरीथिंग। आई थिंक ऐसी फुलफिलिंग लाइफ होनी चाहिए, एंड आई थिंक दीज फाइव कैरेक्टर्स जो एक साथ आ जाते हैं, एंड यू नो दीज फाइव ऑड बॉल्स कमिंग टुगेदर एंड लिविंग अ फन, फुलफिलिंग अ फन जर्नी, आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सोनाक्षी, जो कोरियोग्राफी है उसके बारे में, जिस तरह से फिल्म को विजुअलाइज किया गया, डायरेक्ट किया गया, होमी ने बहुत अच्छे तरह से बनाया। जी, आई थिंक होमी का एक बहुत ही डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक है, जिस तरह से वो फिल्में बनाते हैं, बहुत ही अलग हटके डायरेक्टर है आई थिंक, एंड जो स्पेस उन्होंने कैप्चर किया है वो बहुत ही अच्छा है, एंड वेरी इंटरेस्टिंग टू सी, जिस तरह से शेख और भूटिया को पिक्चराइज किया गया है, उन सबको एक एम्प्टी डॉल हाउस के सामने डालकर जो रिएक्शंस मिले, आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सोनाक्षी भी काफ़ी अलग अलग जॉनर की फिल्में करने के लिए जानी जाती है, तो आपको अगर इस तरह का किरदार या इस तरह की फिल्म करने मिले तो आप किस तरह से देखना चाहेंगे उसके बारे में? जी, आई एम वेटिंग कि मुझे एक ऐसी मैड फिल्म करने को मिले जहाँ पर एक सेंट्रिक कैरेक्टर का रोल मिले, एंड आई होप विश एंड प्रे दैट दैट हैपेंस सून। अच्छा सोनाक्षी, मेरी तरफ से एक आखिरी सवाल है, रजनीकांत जी के साथ में आप कुछ फिल्म करने वाले हो? हो गई, जागो। देसी कलाकार इज बिकमिंग ह्यूज हिट, सो
what do you have to say about your audience? I'm glad that people have liked it and they've liked the new look and everything. And the song is amazing, so I'm glad that it's doing well. Our first time in NRI, you have seen it. Yes, it's so good. Thank you. Sonakshi, Sonakshi, I'll tell you. How will your dream role be? What do you expect to do? My dream role, if one is that I want to do this role. What is that role? I'm doing an action film. Now, my dream role is an action हीरोइन का और मुर्गदास सर की अगली फिल्म जो मैं करने जा रही हूँ उसमें मैं एक टफ कैरेक्टर प्ले थैंक यू पहली लुक देना हुआ अगर आपको तो कैसा देना चाहिए पहली लुक आप कौन सा देना चाहिए पहली लुक ये अर्जुन कपूर का एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन होता है जो आईब्रोज ऊपर करके वो देते हैं दैट्स माय फैन This is not fair. आपको साथ में लाना चाहिए। क्या कहेंगे मैम? कितने excited हैं फिल्म को लेकर? जिस तरह का लुक है, जिस तरह की पूरी फिल्म है, कोरियोग्राफी है, कितने excited हैं? Obviously excited हूँ। Most importantly to see Naseer Saab and Pankaj Ji together. I think they've worked together after many many years and that's the most exciting thing for me. Of course, promos अच्छे लगे और अलग लग रही है फिल्म, so all the best to everyone. सिद्धार्थ सर इस तरह की फिल्म आप किस तरह से देखते हैं मार्केट में कितना बस बनता है और लोग कितना पसंद करते हैं क्योंकि क्यूरियोसिटी जो है वो बन चुकी है तो आप किस तरह से देखते हैं नो वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट द फिल्म आई थिंक द प्रोमोज हैव क्रिएटेड अ लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी बहुत ही हटके दिख रही है एंड आई एम श्योर इट विल बी ग्रेट इन द वेन ऑफ समथिंग लाइक अ डेली बेली यू नो आई मीन इट्स अ प्रीटी एक्सपेरिमेंटल फिल्म इन दैट सेंस दैट इट इज इन इंग्लिश And I know it's going to be dubbed in Hindi as well. But it's great that such movies are being made and it's got a spectacular cast. It's been promoted really well. So looking forward to it. Vidya, aap alag alag genre ke film karne ke liye jaani jaati hai. To is tarah ka kirdar kya aap karna chahti hai agar aapko offer ho? Ya aap main film dekh ke bataungi. फिल्म का प्रोमो जिस तरह का वीडियो भी पूरा शूट किया गया आप किस तरह से देखते हो कितनी अच्छी लग रही है कितने क्यूरियस मैं बहुत क्यूरियस हूँ क्योंकि पहले ये इंग्लिश फिल्म है इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म है तो पहली बार मैं मतलब इतनी कमर्शियल फिल्म इंग्लिश लैंग्वेज में देख रही हूँ और बहुत खूबसूरत इमेजेस है बहुत अच्छे गाने हैं तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कल की हम आपको अलग अलग जॉनर के किरदार करने के लिए जाने जाते हैं हाय हाय इस तरह का रोल अगर आपको ऑफर होता है तो आप करना चाहेंगे या आपका ड्रीम रोल कैसा होना चाहिए आई डोंट थिंक एक एक्टर के लिए एक ही ड्रीम रोल है बहुत सारे ड्रीम रोल्स हैं और बिल्कुल मैं ऐसे फिल्म करना चाहती हूँ सॉरी आपको इट्स हार्ड टू टॉक टू अ कैमरा हाँ आई वुड लव टू डू अ फिल्म लाइक फाइंडिंग फैनी आई थिंक यू नो हर जॉनर बहुत एक्साइटिंग है एक्टर के लिए और हमारे लिए अलग अलग तरीके के फिल्म करने में बहुत मज़ा आता है बिकॉज वी गेट टू एक्सप्लोर आवर रेंज अभी तो मैं एक्चुअली इस हफ्ते टोरंटो जा रही हूँ फॉर फिल्म फेस्टिवल क्योंकि हम मेरी फिल्म अभी वहाँ जा रही है इट्स कॉल्ड मार्गरेटा विद अ स्ट्रॉ तो वो पाइपलाइन में है और हैप्पी एंडिंग विच इज़ ऑल्सो एन इल्यूमिनाटी फिल्म वो आई थिंक नवंबर एंड में रिलीज़ हो रही है with Saif Ali Khan and Eliana Dukun. So yeah, these are the two films coming next. अच्छा कल की यहाँ पे इस पोस्टर में हमने देखा सभी कोई finding love है कोई life ढूंढ रहे कल की अपनी life में सबसे ज़्यादा क्या ढूंढ रहे अच्छा ये metaphor है क्या आप क्या मायने रखता है सबसे ज़्यादा तलाश किस चीज़ मतलब I think for me I'm an actor because I like to understand people मेरे लिए बहुत मज़ा आता है व्हेन आई गेट इनटू अ कैरेक्टर क्योंकि ह्यूमैनिटी को समझने में बहुत मतलब मेरा हॉबी है आई गेस टू अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट माइंड्स वर्क सो हाँ आई थिंक फाइंडिंग लाइफ और फाइंडिंग द मीनिंग ऑफ लाइफ इज़ ऑलवेज अ रियली इम्पॉर्टेंट थिंग इन एवरीबडीज लाइफ थैंक यू Yeah. Okay.
जैकी भगवान पता नहीं क्या बोल रही है।